For the pious Bahuda Yatra of the Trinity of Lords, the preparations are underway, and we are on time. The nitis are going on time, and Mangalarti is going to start very soon, and all the concerned sevayas are also present. So we expect on time Bahuda Yatra to commence on time. As you can see, there is some rainfall, so the devotees are trickling in. But once we come closer to the time of the Pohandi Bijay ritual of the Lord, we expect people to come in large numbers. No, that as we say, ki everything is everything goes by the will of the Lord. So we'll do our bit and see how far we can take the chariots with the blessing of the Lord. As you can see, there is elaborate security arrangements. Apart from that, all the necessary arrangements for health, food, water, and auxiliary services are in place, as was for the Rath Yatra. So we are equally prepared as we were for the Gundicha Yatra. So we hope that it goes through smoothly. Yeah, as I told you, the whatever security arrangements, including CCTV surveillance and other security measures which we had for the Gundicha Yatra, they are in place for the Bahuda Yatra. So as we can all pray to the Lord that everything goes smoothly. Jai Jai Jagannath, Jai Jai Jagannath, Jai Jai Jagannath, Aaj Pavitra Asadh Shukla Dasami Tithi. Bhagavan Sri Jagannath Mahaprabhu Ki Bahuda Yatra. काल काल युग युग से भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन भूमि में विराजमान करके श्री सह मानुष लीलाया है। ये भगवान श्री जगन्नाथ की परम पवित्र मुख्य धाम है और यहाँ पर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु युग युग से मानवीय लीला करते हैं और मानवीय लीला के सर्वश्रेष्ठ यात्रा है, दृष्टांत है रथ यात्रा है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथियों में रथत्रय में विराजमान करके भगवान श्री जगन्नाथ आदि विग्रह आड़प मंडप अंतर्वेदी महोत्सव करने के लिए रथ यात्रा की मूल लक्ष्य स्थल यही अंत गुंडीचा मंदिर आड़प मंडप यहाँ पर 7 दिन रुके हैं। यातायात और यो द्वैर मध्य सप्ताहे मंडपे स्थितम, जाने आने का दो दिन रुकेंगे, 7 दिन। आज बहुड़ा दशमी है, आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथियों में भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु अंतर्वेदी महोत्सव को समापन करके इंद्रदमन महोत्सव को पूर्णाहुति करके भगवान भक्त लोग के साथ बहुड़ा यात्रा करेंगे, जाएंगे सिंह दरवाज पर। बीच में भगवती कल्याणमयी अभिमानिनी परमाह्लादिनी महालक्ष्मी ने आए थे हिरा पंचमी के अवसर पर। हिरा शब्द का अर्थ है देखना के लिए, किसी को देखेगा, अपने प्राण बल्लभ को देखने के लिए, निवेदन करने के लिए आगच्छन्तु महाभागा निराद्रि मंडप प्रति महालक्ष्मी निवेदन किए थे। तो भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु इनका निवेदन को स्वीकार करके आज बहुड़ा शुक्ल एक आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथियों शुभ बेड़ा में शुभ लग्न में पहंडी विजय हो करके रथ में विराजमान करके भगवान वापिस जाएंगे और भगवान रथत्रय लक्ष्मीनारायण की भेंट होगा। इसके बाद रथ जाकर पहुंचेंगे, इसके बाद एक दिन के बाद भगवान सुवर्ण श्रृंगार में श्रृंगार होंगे और दूसरे दिन भगवान का अधरपणा संपन्न होगा और भगवान निराद्रि विजय करेंगे।